हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और काफ़ी मंथ्स के बाद मैं घर से ब्लॉग कर रही हूँ। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप दीदी घर के ब्लॉग्स डालो, घर के ब्लॉग्स हमको देखना है, ट्रैवल का ब्लॉग नहीं। तो ठीक है, अभी आपको कुछ दिन तो आप लोगों को मैं घर से ही ब्लॉग देने का ट्राई करूँगी और घर के ही ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो उससे पहले आप लोगों को एक काम करना है, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि मैं अभी बाहर कहीं नहीं गई हूँ, और मोहित मम्मी को लेकर भी बाहर गया हुआ है गुजरात में आईपीएल जो फाइनल मैच चल रहा है उसको कवर करने के लिए। और उसने मुझे पूछा भी था, लेकिन ऐसा नहीं है कि झगड़े की वजह से मैं नहीं गई। झगड़े कौन से रिलेशनशिप में नहीं होता, वैसे हमारा भी नॉर्मल झगड़ा है, बट वो पहले जब हमारे झगड़े होते थे तो वो ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था, बट अभी क्या है कि ब्लॉग कर रहे हो तो आप लोग उसके लाइफ से रिलेट करते हो, तो आप लोगों के साथ शेयर करना भी बनता है। तो कोई बात नहीं, वैसा हमारा झगड़ा चलता रहता है। तो नहीं जाने का रीज़न ऐसा नहीं है कि आप झगड़े की वजह से नहीं गए, ऐसा मेरा भी कुछ काम था इसलिए मैं ट्रिप ज्वाइन नहीं कर पाई। मुझे पहले भी हमने इंडोनेशिया में साथ तीनों निकले थे और बहुत अच्छा भी लगा था मुझे, और इस बार भी मुझे जाने का बहुत मन था, बट मेरा कुछ इंपॉर्टेंट काम था जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई। और कल वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे पोल डाला था कि आप लोगों को किस तरीके का ब्लॉग चाहिए, अगर आप लोगों का कुछ आइडिया है तो आप लोग मुझे दो। तो इतने सारे मैसेज, मतलब इतने सारे DMs आए, इतने सारे रिस्पॉन्स आए कि मैं बता ही नहीं सकती। और उसमें ज़्यादातर आप मेरा और मोहित का लव स्टोरी आप लोगों को जानना है, ज़रूर बताएंगे आप लोगों को, लेकिन यही है कि लव स्टोरी बताने के लिए उसे भी साथ होना पड़ेगा ना। जैसे ही वो वापस आता है तो हम लोग ट्राई करेंगे वो वीडियो शूट करके आप लोगों को देने का। आज का जो मेरा वीडियो है, मैं सोचा कुछ अपने बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने कल पोल करा था ना, तो उसमें बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि दीदी आप क्या करते हो, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, अपने फैमिली के बारे में बताइए, मोहित भैया से कैसे मिले, ये सारी चीज़ें जो है। लव स्टोरी तो एक अलग है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कुछ चीज़ें जो है जो आप लोगों को भी पता होना चाहिए, तो वही मैं सोच रही हूँ। लोग जानना चाह रहे थे तो मैं तो चलो कुछ बातें हैं जो आप लोग से शेयर कर देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले चीज़ आती है मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में। तो पर्सनल लाइफ के बारे में आप लोग क्या बताऊँ, मैंने अपने ब्लॉग में बता रखा है। सबसे पहले मेरे चैनल में सबसे फर्स्ट ब्लॉग होगा जो कि सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में था, कि मैं क्या करती हूँ, क्या जॉब करती हूँ, क्या मेरा क्या प्रोफेशन है एंड ऑल दैट। और इससे रिलेटेड मेरे चैनल पर आप लोगों को एक और चैनल दिखने को मिलेगा, टैक्सेशन एंड अकाउंट्स का, जो कि उस चैनल पर मैंने अपना जॉब से, जो मैं जॉब करती हूँ उसी से रिलेट के ऊपर मैंने वीडियोज बनाए रखा है। उसके बाद मैंने अपना प्रोफेशन, मतलब मैं अपना जॉब और ब्लॉगिंग को ही मैंने सोचा चलो साथ दोनों चीज़ ही करेंगे। मेरे जो जॉब से मैं टाइम मिलेगा तो मैं उस चीज़ को अपने ब्लॉग में यूटिलाइज करूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो पाता था, जिसके वजह से मैं इनरेगुलर हो गई ब्लॉग, फिर मेरा बीच में पूरा गैपिंग चला गया और काम का प्रेशर, आप लोगों को पता हो मैं CA चार्टर्ड फर्म में काम करती हूँ, तो मतलब कब उसमें प्रेशर नहीं रहता है, हर हमेशा प्रेशर के टाइम में तो खाना खाने तक कभी टाइम नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से मुझे ब्लॉगिंग में कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर मैं सोचा कि चलो ठीक है, दोनों को एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करते 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 अब इस तरीके का नौबत। उसी बीच में हमारा जो आप लोगों ने मोहित के चैनल पर देखा होगा, हम लोग काफी टाइम से रिलेशनशिप में थे, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तो हो ही गया था जैसे हम लोग रिलेशनशिप में थे, तो उसको उस चीज को लोगों को फैमिली को अग्री करना, फिर मतलब एक रिलेशनशिप का भी प्रेशर था, काम का प्रेशर था, आप समझ सकते हो। तो ब्लॉगिंग उस समय में मेरे से नहीं हो पा रहा था, इसके वजह से मैं ब्लॉगिंग मतलब एक साल तक तो मैंने कुछ डाला ही नहीं, पूरा मतलब ब्लैंक आउट हो गया। बस थोड़ा बहुत जो हो पाता था बस वही डालती थी, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इसको भी मुझे करना है, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है। मैंने सोचा था कि चलो इसको ही प्रोफेशन बनाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। लेकिन प्रेजेंट की मैं बात करूँ तो अभी मैंने सोचा कि अभी थोड़ा जॉब यूट्यूब को थोड़ा टाइम देते हैं और जॉब को कुछ मंथ के लिए साइड करते हैं। और ऐसे आप लोगों को पता ही होगा हमारा रजिस्ट्री 1 साल पहले हो चुका था, और उस चीज़ को हम लोगों ने सोचा था कि अच्छे से बताएंगे अपने व्यूअर्स को, बट प्रॉब्लम ऐसा हो गया है कि हम लोग को बीच में बताना पड़ा, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही, वो मोहित के वीडियो में कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे थे मेरे को लेकर। बट ठीक है, वो होता है, जिनको नहीं पता होता है वो अपने थॉट्स अपने दे रहे थे, बट होता है, लोगों को भी जानना होता है कि एक्चुअली कौन है जिसके घर में ऐसा किसी लड़की लड़के के साथ ऐसे बाहर घूमने जाते हैं, पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये सोशल जो होता है ना, कल्चर, हिंदू कल्चर का ये सब का बात है, तो लोग यही सब को ध्यान में रखते हैं। मैंने सोचा चलो ये चीज़ बताना, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही थी, तो उसने
था ना कि चलो सच्चाई बता ही देते, बट हम लोगों ने जैसा सोचा था वैसे हम लोग सोचा था एक आप लोग प्रॉपर सरप्राइज देंगे, बट वो चीज़ नहीं हो पाया। बट कोई नहीं, अभी रजिस्ट्री हुआ है, रजिस्ट्री तो एक साल पहले हमारा हो गया था। हमारा जब शादी हो गए, सोशल में जो कल्चर वगैरह जो होता है पूरा नियम वगैरह के साथ, वैसा शादी अभी नहीं हुआ है, वो भी होगा, वो उसके भी वीडियो आप लोगों को मिलेगी देखने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि अभी क्या ही बताएंगे आप लोगों को, बट आप लोगों को तो जानना था तो वो बताना पड़ा। और रहा बात मेरा जॉब से रिलेटेड, तो मैंने अभी जॉब को थोड़ा कुछ मंथ्स के लिए मैंने साइड किया। मैंने सोचा अभी यूट्यूब को ही टाइम देते हैं, यूट्यूब भी मुझे करना अच्छा लगता है। और जैसे जैसे करके मैंने, मतलब बहुत मुश्किल से मैंने अपने चैनल को धीरे 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 के आगे बढ़ाया। उसमें मोहित का भी सपोर्ट है, बाकी हमारे फैमिलीज का भी सपोर्ट है, तो मैं सोच रही हूँ इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। बाकी मेरा जॉब करा वो तो मुझे जो आता है वो मुझे क्लाइंट्स वगैरह जैसा है मुझे मिल ही जाएंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने सोचा चलो अभी यूट्यूब पे थोड़ा टाइम देते हैं, उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मोटिवेट कीजिए ताकि मैं वीडियो आगे बना पाऊँ। और पर्सनल लाइफ तो मेरा भी फिलहाल प्रेजेंट जो मेरे लाइफ में चल रहा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, तो वो आप लोगों पर आप लोग मुझे सपोर्ट दोगे तो मैं भी आगे बढ़ूँगी धीरे धीरे अपने यूट्यूब में। और रहा बात हम लोग अपना लव स्टोरी का, तो वो भी वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगा। मोहित आ जाता है तो उसको बोलेंगे कि चलो उसके ऊपर भी कुछ शूट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा शूट भी अभी तक नहीं हुआ, तो शूट करेंगे, वो वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगी। और सो फ्रेंड्स, आप लोगों को जानना था मैं पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और प्रेजेंट का, तो मैंने प्रेजेंट और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मैंने बताया। और रहा बात मेरे फैमिलीज का, तो उसके बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसके लिए प्रॉपर एक Q&A करते हैं। Q&A करने से क्या होगा कि मैं प्रॉपर एक एक क्वेश्चन पिक करके आप लोगों को आराम से उसका आंसर दे पाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो Q&A करूँ क्या। अगर Q&A करूँ तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बताना, ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप लोग चाहोगे कि Q&A करूँ, प्रॉपर Q&A करूँ, उसमें कोई भी इधर उधर का बात नहीं, जो आप लोग चाहते हो बस उनका क्वेश्चन पिक करके मैं उनका आंसर दूँ उसके नाम के साथ, जैसे प्रॉपर सारे यूट्यूबर्स जो करते हैं। तो अगर आप लोगों को उस टाइप का Q&A वीडियो चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो तब Q&A करूंगी। और वैसे वीडियो रात में भी शूट कर रही हूँ, शाम को गए थे थोड़ा मंदिर, एक हमारे लोकल में, हमारे लोकलिटी में एक मंदिर है जो कि बहुत ही बढ़िया मंदिर, वहाँ 52 फीट का शिव जी का बनाया गया, जैसे कि आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखने को मिला होगा। और वहीं पे शिव जी का जो धाम वगैरह होता है ना, चार धाम जैसा बोला जाता है, उस टाइप का कुछ बना हुआ था, नया था। तो मैं सोचा चलो वो भी दिखा देते हैं हमारे, वहाँ मैंने शूट करा है कुछ, तो वो शॉर्ट्स आप लोग इंजॉय करो, उसके बाद वीडियो को उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हो ये हमारा मंदिर, जो कि नॉर्मल, ये मंदिर तो बहुत लोग जो लोग हावड़ा से रहते हैं उन लोग जानते ही होंगे। अभी जो मैं दिखाने जा रही हूँ वो थोड़ा यूनिक है, तो चलिए अंदर चलते हैं वही दिखाते हैं। और जिस शिव जी की मैं फिट की बात कर रही थी ना, 52 फिट, यही शिव जी की मैं बात कर रही थी। तो ये देख सकते हो पूरा नया बना है, तो इसके अंदर चलते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं अंदर किस तरीके का क्या बना। मैं भी देखूँगी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे आ रही हूँ, तो ये देख सकते अंदर से कुछ ऐसा है। तो चलिए अंदर चलते हैं। अलग ही भाई सर अंदर आ गए। ओ भाई इतना प्यारा और कितना सुकून मिल रहा है यहाँ का, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, मुझे तो पता ही नहीं था। और शिव जी के जो सारे धाम जो होते हैं ना, वही सारे धाम यहाँ पे बने हुए, चार धाम जो होता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसे ये सब। तो मैं आप लोग एक एक करके दिखाती हूँ। ये जैसे देख सकते हैं रामेश्वरम है, लग रहा है ना पूरा उसी के जैसा। और भी सारे, तो चलिए एक एक करके दिखाते हैं। ये है बैजनाथ शिव जी का जो, और ये बैजनाथ धाम जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा है, ये केदारनाथ है, देख सकते हो केदारनाथ है ये। और ये इतने लोग भीड़ है ना, मतलब संडे के टाइम भी इतना भीड़ है। और ये महाकालेश्वर धाम शिव जी का, जैसा कि देख सकते हो महाकालेश्वर धाम है। और यहाँ पे किस जगह पे है वहाँ पे इन्होंने बोर्ड लगा रखा है। और नेक्स्ट चलते हैं, ये सोमनाथ, जैसा कि देख सकते हो शिव जी का अलग सा ये धाम है। उसके आगे और भी देखते हैं और क्या है। बहुत मतलब यूनिक, मुझे जैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। ये कुछ लिखा हुआ है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ नहीं पाई। ओमकेश्वर धाम,
मतलब अलग अलग धाम है और ये भीम शंकर धाम। ओवरऑल आप लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो यहाँ के जो शांति सुकून मिल रहा है ना, बहुत ज़्यादा शांति, मन कर रहा है मैं यहीं बैठ जाऊँ, लेकिन क्या करें घर भी जाना है, शाम हो रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा। जो लोग हावड़ा से ये प्लेस के बारे में 1000% जानते हैं, आप लोगों को मेरा वीडियो छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज। और मैं ट्राई करूंगी अपने से रिलेटेड कुछ न्यू कंटेंट आप लोगों को देने का भी, मैं अपने से रिलेटेड ही कंटेंट देने का ट्राई करूंगी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहना आप लोग किस टाइप का ब्लॉग्स चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि आउटसाइड के भी आप लोगों को ब्लॉग्स, जैसे कि हमारा लोकल स्ट्रीट हो गया, ये सारे हो गए, तो आप लोग कमेंट्स करके बताना आप लोगों को उस टाइप के ब्लॉग्स भी चाहिए क्या। लेकिन इससे पहले ये बताना, इसके बाद अगर आप लोगों को Q&A वीडियो चाहिए तो Q&A बताना, तो मैं Q&A ही करूंगी। और इंस्टाग्राम पे ही मेरा सब कुछ होता है, मैं पोल वगैरह सब कुछ, पोल हुआ या फिर कुछ भी अपडेट होता है तो मैं इंस्टाग्राम पे ही देती हूँ। तो मेक श्योर कि आप लोग इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिएगा, यहीं कहीं हमारा इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा। तो चलिए अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो में अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में कुछ न्यू कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए।